से पहले अब यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव जो कि फाइनल है, इसके पहले सेमीफाइनल खेला गया बिहार के 4 विधानसभा चुनाव पर उपचुनाव के साथ। अब आपको बताएं तो 2025 के चुनाव की तैयारी आज से ही शुरू हो चुकी है, जहां नीतीश कुमार 15 दिसंबर से अपने महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो उसके पहले तेजस्वी यादव 4 तारीख से ही यानी 4 दिसंबर से ही अपनी एक यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम रखा गया है संवाद यात्रा। और इस यात्रा की शुरुआत वो मुंगेर जिले से करेंगे। देखिए, बिहार में लगातार जब भी कोई चुनाव हुआ है, उस चुनाव से पहले नेता लगातार बड़ी बड़ी यात्रा की है और इस यात्रा का असर उस चुनाव में देखने को भी मिला है। इनफैक्ट नीतीश कुमार जब भी पलटी मारते हैं तब भी वो चुनाव यात्रा पर निकलते हैं। इसके पहले आखिरी जो यात्रा नीतीश कुमार की थी वो थी समाधान यात्रा। अपने समाधान यात्रा के बाद अब नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ही उन्हें टक्कर देने के लिए, उन्हें चुनौती देने के लिए तेजस्वी यादव 4 तारीख से अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 4 दिसंबर को मुंगेर से कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। हालांकि अभी इसकी औपचारिक घोषणा पार्टी की ओर से नहीं की गई है, लेकिन यात्रा को लेकर तैयारी शुरू है। 4थे चरण की संवाद यात्रा को लेकर संबंधित जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों के लेकर बबड़े हॉल की तलाश की जा रही है। 2 जिले में हॉल उपलब्ध हुआ है, लेकिन अलग अन्य जिलों में लगन के कारण बड़े हॉल की उपलब्धता में परेशानी हो रही है। इसके पूर्व 3रे चरण की यात्रा में के दौरान जमुई में रहने के दौरान झारखंड विधानसभा चुनाव एवं बिहार के 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की घोषणा होने के कारण यात्रा स्थगित कर दी गई थी। वहां यात्रा को रोक कर वे रांची के लिए रवाना हो गए थे। पार्टी सूत्रों के अनुसार 4 दिसंबर को मुंगेर, 5 दिसंबर को बेगूसराय, 6 दिसंबर को खगड़िया और 7 दिसंबर को लखीसराय में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद यात्रा बनाया गया है। लखीसराय के संवाद कार्यक्रम में शेखपुरा के कार्यकर्ता शामिल रहेंगे। इसके साथ ही मुंगेर प्रमंडल में तेजस्वी की यात्रा का समापन हो जाएगा। इसके बाद 5वें चरण की यात्रा का कार्यक्रम निर्धारित की जाएगी। तो देखिए, बिहार में लगातार यात्राओं का सिलसिला लगातार जारी है। बड़े नेता हों या छोटे नेता हों, वो कार्यकर्ता सम्मेलन यात्रा करते हैं या फिर लोगों के बीच, आम जनता के बीच पहुंचते रहते हैं। अब एक बार फिर जहां एक तरफ नीतीश कुमार महिला वोट बैंक को साधने के लिए महिलाओं के बीच अपनी नब्ज टटोलने की कोशिश करने जा रहे हैं, महिला संवाद यात्रा निकालने जा रहे हैं। 15 दिसंबर से उनकी यह यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। इसे लेकर के तमाम तैयारी भी पूरी कर ली जा चुकी है। इस यात्रा में लगभग 223 करोड़ बजट इसके लिए बनाया गया है और इतना खर्च नीतीश कुमार की इस यात्रा पर आने वाले हैं। लेकिन नीतीश कुमार की ये लगभग 14वीं यात्रा होने वाली है, जहां पर नीतीश कुमार लास्ट में समाधान यात्रा किए थे और इस यात्रा के बाद अब महिला संवाद यात्रा करने जा रहे हैं। लेकिन वहीं नीतीश कुमार अपनी यात्रा की शुरुआत करें उसके पहले तेजस्वी यादव उन्हें टक्कर देने की कोशिश शुरू कर चुके हैं। 4 दिसंबर से तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचने वाले हैं, संवाद यात्रा करने वाले हैं। इस यात्रा के तहत वो अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा खुद तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर लेने वाले हैं। अब इन दोनों की यात्रा का फायदा 2025 में पड़ेगा या नहीं, ये तो भविष्य ही तय करेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन।